लेकिन कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, लॉजिकल बातें करने वाले होते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, तो ये लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड लोग हैं। कुछ लोग राइट ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिविटी होती है, स्पोर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, कल्पनाएं होती है, कहानियां होती है, बॉलीवुड है, ऐसी कई चीजें जो राइट ब्रेन ओरिएंटेड है। लेकिन सवाल यह है कि बेस्ट क्या हो सकता है? बेस्ट यह है जब ये दोनों ब्रेन एक दूसरे को सपोर्ट करें। कई बार लेफ्ट ब्रेन राइट को सपोर्ट नहीं करता और राइट लेफ्ट को सपोर्ट नहीं करता। हम क्या करते हैं, आपने देखा इन दोनों ब्रेन के बीच में कुछ लिखा है और वो लिखा है एसोसिएशन। हम दोनों ब्रेन को जोड़ने का काम करते हैं। छोटे से एग्जाम्पल से आप उसको समझ पाएंगे। मेरे एक मित्र हैं, उनकी वाइफ हमारी भाभी जी हैं, उन्होंने बड़ा अजीब सा वाक्य एक दिन मुझे सुनाया। उनके दो बच्चे मिंटू और चिंटू, बड़े ही शैतान, दिन भर खेलने कूदने वाले आपकी तरह। अब अगर यहां बच्चे हैं तो सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मम्मी ने चिंटू और मिंटू को बुलाया और कहा कि बेटा सुनो, मैं 3 घंटे के लिए बाहर जा रही हूं, लेकिन आज आपकी छुट्टी है, मैं आपको काम देके जा रही हूं। आप दोनों मेरे काम में मदद करोगे, मेरा हाथ बटाओगे, मैं तुम्हें कुछ काम देके जा रही हूं, उसे पूरा करोगे तो मैं तुम दोनों को चॉकलेट दूंगी और शाम को खेलने दूंगी, क्योंकि कल मेहमान आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूं कि तुम भी कुछ ना कुछ करो। करोगे? दोनों ने कहा हाँ मम्मी। अब उसने कहा देखो चिंटू, आपको क्या करना है, आपको ड्राइंग रूम साफ करना है और ड्राइंग रूम के पास वाला बेडरूम साफ करना है। ये दोनों कमरे आपको अच्छी तरह से साफ करके, साफ सुथरा करके, हर गंदगी को निकाल के, झाड़ू वाड़ू लगा के, नीट एंड क्लीन बेडशीट वगैरह बिछा के करना है। और मिंटू से कहा आपको किचन साफ करना है और डाइनिंग रूम साफ करना है, ये आपको अच्छी तरह कर देना है, ताकि कल जब मेहमान आए तो हम कह सके हमारे बच्चों ने ऐसा किया है। और आप दोनों को करना है, 3 घंटे का टाइम है, अगर कर लिया तो मैं दोनों को चॉकलेट्स भी दूंगी और जिसने भी कर लिया उसको मैं ज्यादा चॉकलेट दूंगी और खेलने भी दूंगी। ऐसा बोल के मम्मी चली गई, दोनों ने यस किया और अपने अपने काम पे लग गए। लेकिन जब मम्मी वापस आई तो मम्मी जब कमरे में एंटर करी तो उन्होंने देखा पूरा घर अस्त व्यस्त, पानी फैला हुआ, चादरें नीचे बिखरी हुई, ट्यूबलाइट टूटी हुई, पंखा मुड़ा हुआ, झाड़ू के टुकड़े हो रखे हैं, टेबल गिरी हुई है, चेयर्स पलटी हुई है, किचन में गंदगी हो रही है, पानी फैला हुआ है, सब्जियां गिरी हुई है, फ्रिज खुला हुआ है, ड्राइंग रूम में देखा जाकर के तो सोफे फट रहे हैं, उल्टे पड़े हैं, जितने भी ड्राइंग रूम में आले थे उनमें जितनी भी चीजें थी वो जमीन पे गिरी हुई थी, पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है। उसने मम्मी का दिमाग खराब हो गया, बोली ये क्या हो गया? और मम्मी ने दोनों को आवाज लगाई, चिंटू मिंटू कहां पर हो? और चिंटू मिंटू एक कमरे से लड़ते हुए बाहर निकले, एक दूसरे को भूसे मार रहे हैं, एक दूसरे के बाल पकड़ रहे हैं। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से कुछ छुड़वाया, दोनों के एक थप्पड़ लगाई और पूछा तुमने ये क्या कर दिया? मैं तुम्हें पूरा घर सही करने को बोल के गई थी, 3 घंटे में घर ठीक करना था, तुमने ऐसा कर दिया कि अब मैं 3 दिन तक इस घर को सुधार नहीं सकती हूं और कल मेहमान आएंगे, अच्छा काम देके गई मैं तुम्हें, तुमने क्या कर दिया, काम बिगाड़ दिया। तो चिंटू ने कहा मिंटू की वजह से ऐसा हुआ, मिंटू ने कहा मम्मी ये चिंटू की वजह से ऐसा हुआ। मम्मी को समझ में नहीं आया, बोले कैसे? बोले जब आपने कहा मैं झाड़ू उठाने गया तो वो लपक के उसने झाड़ू उठाई और झाड़ू तोड़ दी, फिर हमने झाड़ू ली आधी आधी, काम करना शुरू किया तो ये मिंटू जो है वो गंदगी अपने कमरे की निकालता और बाहर डाइनिंग रूम में कर देता। फिर मुझे गुस्सा आया, बोले नहीं मम्मी पहले इसने किया, पहले इसने सारी गंदगी निकाली और वो बेडरूम में कर दी, तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने इसके ड्राइंग रूम में कर दी। इस तरह से एक कमरे का काम वो कर रहे थे दूसरे कमरे की परवाह किए बगैर, तो दूसरे कमरे का काम और खराब हो रहा था। चूंकि इन दोनों के रिस्पॉन्सिबल अलग अलग लोग थे तो वो अपना काम संभालने के लिए दूसरे का काम खराब कर रहे थे और इस वजह से पूरा ही काम अस्त व्यस्त हो गया, पूरा ही काम खराब हो गया। इससे जो काम 3 घंटे में करना था उसका टाइम 3 दिन हो गया, यानी वो काम और बिगड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन दोनों ने मिलके काम नहीं किया, उन दोनों की बनती नहीं थी। चलो मिलके काम नहीं किया वो तो एक बात है, लेकिन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसे कहते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट, यानी दोनों ने झगड़ते हुए काम किया, तो अपनी पूरी ताकत अपना काम सही करने के साथ साथ दूसरे का काम गलत करने पर भी लगाने लगे, ये कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट। हमारा दिमाग भी चिंटू मिंटू है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, और ये कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन जब एक दूसरे से मैच नहीं करते और दिमाग को दोनों काम एक साथ करने को कहा जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर देता है। जब भी आप कुछ भूलते हैं, आपको कुछ याद नहीं आता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं या परेशानी में पड़ जाते हैं या उलझन आपको दिखाई देती है या आपको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा होता है, ये सब लेफ्ट और राइट ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अगर आपको कोई बात टाइम पर याद नहीं आती,
किसी का चेहरा या नाम भूल जाते हैं, आपको याद किया हुआ आंसर भी टाइम पर याद नहीं आता, ये सब भी लेफ्ट और राइट ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मान लीजिए उनकी मदर ने बचपन से ही बच्चों को तालीम अच्छी दी होती और उनकी ट्रेनिंग की होती और उन दोनों को इस तरह से बड़ा किया होता कि वो कभी आपस में झगड़ा नहीं करते बल्कि प्यार से साथ साथ रहते हैं। अगर सिनेरियो कुछ ऐसा होता कि मम्मी कहती 3 घंटे का काम है, तुम्हें ड्राइंग रूम और बेडरूम करना है, तुम्हें डाइनिंग रूम और किचन करना है और 3 घंटे बाद दोनों को चॉकलेट दूंगी, उसके बाद ही खेलने जाना। मम्मी वापस आती है, दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, मम्मी ने देखा, अरे तुम्हें काम देकर गए थे, तुम बाहर खेल रहे हो। बच्चों ने कहा, जाओ देखो तो सही अंदर जाके। मम्मी अंदर आई, पूरा घर साफ सुथरा हो रखा है, जैसा मम्मी ने कहा था बिल्कुल वैसा हो रखा है, उल्टा ज्यादा तरीके से सजा हुआ है, खुशबू आ रही है, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, बाद में खुशबू का स्प्रे भी किया है और उसके बाद वो खेल भी रहे हैं। तो मम्मी ने पूछा, कब तक पूरा कर लिया? बोले, मम्मी 1 घंटे में हो गया। कैसे? जब आप गए तो मैंने और चिंटू ने, यानी हम दोनों ने मिलकर पहले डिसीजन लिया कि मिलकर पहले किचन कर लेते हैं, उसके बाद दोनों मिलकर ड्राइंग रूम कर लेंगे, फिर दोनों मिलकर बेडरूम कर लेंगे, तो सारे काम दोनों ने मिलकर किए, तो वो काम कम समय में पूरा हुआ और ज्यादा अच्छा रहा। इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, यानी तालमेल के साथ। अब यही हमारे दिमाग के साथ भी होता है, कोई भी चीज जो आपको पक्की याद होती है या अच्छी तरह से आ जाती है, और आपका दिमाग, जब आप एक परफेक्ट गाना गाते हैं जिसकी धुन भी सही है और शब्द भी सही है, ये तालमेल है, यानी लेफ्ट और राइट ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन। अगर एक दो छोटे बच्चों को बचपन में ही साथ साथ रहकर काम करने की तालीम दी गई जिससे वो ट्रेंड हो गए मिलके काम करने के लिए, तो यही तालीम अगर हम हमारे दिमाग को भी दें, ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे वो ट्रेंड हो जाए मिलकर काम करने के लिए, यानी लेफ्ट सपोर्ट करे राइट को और राइट सपोर्ट करे लेफ्ट को, तो आप ना तो कभी कंफ्यूज होंगे, ना कभी आपका कॉन्सेंट्रेशन विचलित होगा, ना कभी आप कुछ भूलेंगे, और ये कहलाता है लेफ्ट एंड राइट ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन। आखिर इस ब्रेन साइंस में आप क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं, ऐसे मेथड सीखते हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग हर जगह पर सिंक्रोनाइज होकर काम करता है और आपका दिमाग एक ताकत के साथ, मजबूती के साथ काम करता है। जो आप याद करते हैं आपको जल्दी याद होता है, जो आप याद रखना चाहते हैं वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रखा रहता है, और जो भी आपको वापस याद आना होता है वो तुरंत याद आता है, यानी इन्फॉर्मेशन को मजबूती से रखा जाता है। दोनों ब्रेन एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एसोसिएशन इस ब्रेन साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आने वाले सेशंस में आप सीखते रहेंगे। आइए हम